अस्सलामुअलैकुम। लाल ताज चिकन मसाला, क्या आपने कभी ऐसी रेसिपी खाई है चिकन की? अगर नहीं तो इसे जरूर देखिए और बनाइए। काफी यूनिक रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाती है। टमाटर ज्यादा लगते हैं इसे बनाने में। ऐसे मजेदार रेसिपीज देखने के लिए अभी से चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करिए, ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आप तक मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह मजेदार चिकन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 750 ग्राम यानी 750 ग्राम चिकन, 3/4 केजी पीसेस मीडियम साइज कट कर लें। अब नेक्स्ट हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, करीब 1 टीस्पून है ये, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी को अब चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन को 15 मिनट के लिए रख दें साइड में। अब एक पैन गरम करिए और इसमें डालिए 2 से 3 टेबलस्पून तेल। तेल हल्का सा गरम होने के बाद चिकन डाल दें। चिकन डाल के हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे चिकन का रंग बदलने तक। हाई फ्लेम पे फ्राई होने दें। इसमें हमें ना पानी डालना है और ना ही लिड बंद करना है। ऐसे ही फ्राई करते जाइए इसे। चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। देखिए हल्का सा सुनहरा रंग यानी गोल्डन कलर आ चुका है। फ्लेम बंद कर दें। चिकन को एक प्लेट में निकाल लें। हम फिर से पैन गरम करिए, इसमें थोड़ा सा ही तेल डालिए, 1 या 2 टेबलस्पून। तेल की क्वांटिटी, लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, क्योंकि हर घर का ये जो हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, तेल और नमक का रेशियो अलग अलग होता है। इसीलिए थोड़े लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, थोड़े लोग नहीं। थोड़े लोग ज़्यादा तेल खाते हैं, थोड़े लोग नहीं खाते, कम खाते हैं। नमक का भी ऐसा ही है। चलिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1 तेज पत्ता, 4 लौंग, 3 इलायची, 1 दालचीनी डाल दें। हल्का सा सौते करिए। बारीक कटी हुई प्याज डालिए। प्याज का वजन 180 ग्राम है, 3 छोटे साइज की थी प्याज। इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई करते जाइए रंग बदलने तक। प्याज का देखिए इतना रंग काफी है। अब नेक्स्ट इसमें डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टीस्पून। अच्छे से भूनिए। अच्छे से भून के इसमें डालिए टमाटर का पेस्ट, ये आधा किलो टमाटर है, 4 से 5 बड़े साइज के टमाटर डाल के हाई फ्लेम पे हमें अच्छे से पकाना है। इस तरह से ढक्कन ढक के पकाइए, लेकिन हर 1 या 2 मिनट के बाद ये लिड ओपन करिए और चेक करते रहिए, मिक्स करते रहिए। टमाटर हमारे अच्छे से पक रहे हैं, ऐसे ही पकाते जाइए। और इसी के साथ हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा नमक, थोड़ा पानी डालिए और हाई फ्लेम पे भूनते जाइए। इसे अच्छे से भूनिए। टमाटर अच्छे से पकाने के बाद अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल दें। चिकन डालने के बाद हाई फ्लेम पे पकाते जाइए फिर से। हमें चिकन को टमाटर के मसालों के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। फिर से हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनते जाइए इसे अच्छे से, तभी इस ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए चिकन को तो मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है,
इस तरह से ड्राई होने तक भूनिए ताकि मसाले चिकन को अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, एक ग्लास पानी डाल रहे हैं। पानी करीब 250 ml डालिए, मिक्स करिए, हाई फ्लेम पे पकने दें। हाई फ्लेम पे इस तरह से उबलने दें 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम को लो पे रखिए, इसके ऊपर लिड बंद करिए। ऐसे ही लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाइए, इसी दौरान चिकन परफेक्टली गल जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, आखिर में इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें और एक टमाटर इस तरह से काट के डालें। मिक्स करिए, करके फिर से थोड़ा सा पका लें। लिड बंद करके 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे। चलिए, रेडी है हमारी सुपर डिलीशियस टोमेटो चिकन की रेसिपी।